हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई मिल। आज की रेसिपी है मैक्रोनी मसाला पनीर। मैक्रोनी तो सबको ही अच्छी लगती है, अगर आपको भी ये मसाला मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगे तो इस चैनल रसोई मिल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी को बॉयल करेंगे। अब इसमें एक बाउल मैक्रोनी डाल देंगे, इसको कुक करना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और आधा चम्मच तक ऑयल डालेंगे, जिससे मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। ये मैक्रोनी कुक हो गई है, अब इसको छन्नी से छान लेंगे। अब टमाटो प्यूरी बनाएंगे मैक्रोनी में डालने के लिए। उसके लिए टमाटर को धीमी आंच में भूनना है, जिससे इसकी छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए छिलके अलग हो रहे हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, छिलकों को उतार लेंगे। अब इसको चाकू से काट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए प्यूरी बनकर तैयार। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ 1 कप प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा आधे से 1 मिनट के लिए ऐसे ही चला लेंगे, इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियों को डालेंगे। यहाँ पर 1/2 कप गाजर ली है, 1/2 कप कॉर्न लिया है और 1/2 कप शिमला मिर्च लिया है। ये सब बारीक काटा हुआ है। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। इसको ऐसे खुला 1 से 2 मिनट तक भूनते रहेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे ये जल्दी भुन जाएंगे। थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मिला लेंगे टमाटो प्यूरी, इसको भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसको भी मिला लेंगे। ये सब अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कुक मैक्रोनी, इसको डालकर अच्छे से ऊपर से नीचे तक मिला लेंगे। अब इसमें हम पनीर मिलाएंगे। पनीर को ग्रेट कर लिया था, ये पनीर 50 ग्राम है। इसको भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें नमक स्वादानुसार, इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कितनी झटपट मैक्रोनी मसाला पनीर बनकर तैयार हो गई है। घर पर ही टेस्टी टेस्टी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। चलिए गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं नई नई वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।